हाय, वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं स्टील का नेक्स्ट पार्ट। आज के इस पार्ट में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे 106 से लेके 120 तक। क्वेश्चन 106 में स्टेटमेंट्स गिवन है यहाँ पे, और हमें करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड करना है। ये स्टेटमेंट्स गिवन है जिगजैग रिवेटिंग के केस में, तो हम एक बार उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ये स्टेटमेंट्स पे आएंगे। तो ये एक स्टेगर्ड रिवेटिंग का केस है। यहाँ पे अगर हम फेलियर की बात करें तो दो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हो सकते हैं। एक तो इसके अलोंग भी फेल हो सकता है, और भी पॉसिबल है, बट हम दो को डिस्कस करेंगे। तो एक हो सकता है कि यहाँ से फेलियर स्टार्ट हुआ ऐसे, फिर बी, फिर सी पे, इसके बाद डी वाले रिवेट पे, और फिर इस तरीके से ई पे फेल हो रहा है। यहाँ पे भी हम नंबरिंग नेमिंग कर देते हैं। ये एफ है और ये जी है। अगर हम सेक्शन एफ सी जी के लिए ए नेट का फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ पे कोई भी स्टेगर्ड रिवेट्स नहीं है। जो भी रिवेट्स है एक ही वर्टिकल लाइन में हो, और एक ही रिवेट है यहाँ पे। तो इस केस में फॉर्मूला होगा वो बी माइनस डी इंटू टी होगा। अगर हम ये फेलियर प्लेन जो ए बी सी डी ई, इसके लिए अगर हम ए नेट का फॉर्मूला लिखें, तो इसके लिए ए नेट होगा वो होगा बी माइनस एन डी प्लस सिग्मा एस स्क्वायर अपॉन 4g। यहाँ पे एन है नंबर ऑफ रिवेट्स हैं जो फेलियर प्लेन में आ रहे हैं, वो यहाँ पे तीन है, तो एन की वैल्यू होगी 3। और यहाँ पे स्टेगर्ड पिच और गेजेज हैं, वो दोनों दो दो हैं। यहां से लेके जैसे हम यहां जा रहे हैं तो स्टेगर्ड है रिवेट्स, गेज डिस्टेंस g1 है, और जो पिच है वो s1 है। तो फॉर्मूला अगर लिखेंगे, यहाँ पे भी t आएगा मल्टीप्लाई में, बी माइनस 3d प्लस s1 स्क्वायर अपॉन 4g। फिर c से d पे जाएंगे तो फिर से स्टेगर्ड है, तो फिर से ये टर्म आएगी, ये s1 स्क्वायर अपॉन 4g1 है, अगले के लिए आ जाएगा s2 स्क्वायर अपॉन 4g2। अब फेलियर कौन सा प्लेन के अलोंग होगा वो डिपेंड करेगा ए नेट किसका कम है किसका ज्यादा है। जिसका ए नेट कम आ रहा है वो कम एफिशिएंट सेक्शन है, वो वीक सेक्शन है, तो फेलियर होगा वो उसके अलोंग होगा। एक ये वाला केस है, इसको हम 1 बोल देते हैं फेलियर प्लेन, इसको हम 2 बोल देते हैं। अगर ए नेट इस वाले फॉर्मूले से जो निकाल रहे हैं फर्स्ट वाले केस का वो ज्यादा आ रहा है, 2 का कम आ रहा है, तो फेलियर होगा वो जिगजैग फेलियर होगा। अगर उसका उल्टा हो रहा है, 2 वाले का कम आ रहा है, 1 का ज्यादा आ रहा है, तो फेलियर होगा वो एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में फेलियर होगा, स्ट्रेट लाइन में फेलियर होगा। और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये राइट एंगल पे है इस वाले फोर्स की डायरेक्शन से। अब 1 ग्रेटर होगा या 2 ग्रेटर होगा ये डिपेंड करेगा एस और जी की वैल्यू पे। अगर एस की वैल्यू यहां लिखते, एस की वैल्यू अगर ज्यादा है, जी की वैल्यू है वो कम है, इस केस में एस स्क्वायर अपॉन 4g की वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी। और अगर इसका उल्टा केस में कि एस है वो काफी छोटा है, जी है वो बड़ा है, तो जी नीचे आ रहा है एस ऊपर आ रहा है, तो इस केस में एस स्क्वायर अपॉन 4g की वैल्यू काफी छोटी हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू आ रही है प्लस में। इट मीन्स अगर ये ज्यादा होगा, एस ज्यादा है जी छोटा है, तो एस स्क्वायर अपॉन 4g की वैल्यू ज्यादा होगी, और अगर ये ज्यादा है तो उस केस में सेकंड वाले के लिए ए नेट की वैल्यू ज्यादा होगी, तो फर्स्ट वाले के लिए ए नेट की वैल्यू कम होगी, और फेलियर होगा वो स्ट्रेट लाइन में फेलियर होगा। अगर इसका उल्टा ये वाला केस होता है कि एस वन छोटा है जी बड़ा है, तो एस स्क्वायर अपॉन 4g की वैल्यू कम आएगी, और अगर ये वैल्यू कम आ रही है तो उस केस में ये वाला ए नेट कम होगा, सेकंड वाला ए नेट कम है, तो फिर फेलियर होगा वो जिगजैग फेलियर होगा। तो ये आपने माइंड में रखना है, बस इसी से इसने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा हुआ, बस यहाँ पे हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है। ए में बोला है कि जब गेज डिस्टेंस ज्यादा होगी तो उस केस में फेलियर होगा वो जिगजैग होगा। गेज डिस्टेंस मतलब ये नीचे वाला को हम बढ़ा रहे हैं, तो इसकी टोटल जो एस स्क्वायर अपॉन 4g की जो वैल्यू है वो वैल्यू डिक्रीज होगी, ये वैल्यू डिक्रीज होगी तो ए नेट डिक्रीज होगा, और अगर जिगजैग वाले का ए नेट कम आ रहा है तो फेलियर होगा वो जिगजैग होगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। बी में जस्ट इसका अपोजिट है कि गेज डिस्टेंस तो कम है
पिच ज्यादा है, गैस डिस्टेंस इज स्मॉलर देन द पिच, तो इस केस में क्या हो रहा है, गैस डिस्टेंस जी है वो कम है, एस है वो बड़ा है, तो इस केस में क्या होगा, एस स्क्वायर अपॉन 4g की वैल्यू बढ़ेगी, ऊपर वाले की वैल्यू बढ़ाई है नीचे वाले की घटाई है, तो वैल्यू ऑब्वियसली बढ़ेगी, दोनों के कारण बढ़ेगी। अब ए नेट हमारा जिगजेग वाले का ज्यादा आएगा, तो जिगजेग फेलियर नहीं होगा क्योंकि उसका ए नेट ज्यादा है, जो स्ट्रेट वाला है उसका ए नेट अब कम आएगा, तो फेलियर होगा वो स्ट्रेट लाइन में फेलियर होगा। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, इसने ऐसे लिखना था कि स्ट्रेट लाइन में फेलियर हो रहा है, और वो स्ट्रेट लाइन है वो राइट एंगल पे है फोर्सेज के, तो यहाँ पे ऑप्शन बी भी सही है। सी में बोला है कि गेज डिस्टेंस और पिच दोनों ही इक्वल हैं, तो फेलियर वो सेक्शन जो होगा वो मोर लाइकली होगा अगर डायमीटर दो होल इंक्रीज करें, तो ऑब्वियसली अगर हम होल का डायमीटर इंक्रीज करते हैं तो ये डी बढ़ेगा, और डी बढ़ेगा तो फिर ए नेट कम होगा, तो फिर फेलियर होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, दोनों केसेस में होगा ये सेम चीज, अगर डी को हम बढ़ाते हैं तो फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो ए बी सी तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 107 में एक टेंशन मेंबर है और उसके लिए हमें नेट सेक्शन एरिया निकालना है, बट यहाँ पे रिवेट जो लगे हुए हैं वो जिगजैग या जिसको हम स्टेगर रिवेटिंग भी बोलते हैं उस तरीके से लगे हुए हैं, पी स्टेगर्ड पिच है जिसको मोस्टली हम एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जी है वो गेज डिस्टेंस है, एन है वो नंबर ऑफ रिवेट होल है एक जिगजैग लाइन में, और एन डैश ये नंबर ऑफ गेज स्पेसेस है, तो एक बार डायग्राम की हेल्प से हम देखते हैं कि एन और एन डैश क्या है और कैसे हम एरिया निकालते हैं। तो ये जिगजैग रिवेटिंग के एग्जाम्पल्स हैं। अब अगर यहाँ पे हम फेलियर की बात करें, जैसे फर्स्ट वाले केस को देखें, तो यहाँ पे फेलियर इस लाइन के अलोंग भी हो सकता है कि ऐसे फेल हो गया, एक रिवेट फेल हो गया और बाकी जो ऊपर नीचे प्लेट थी वो फेल हो गई, या फिर फेलियर है वो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से फेलियर स्टार्ट हुआ ऊपर से, फिर ये एक रिवेट फेल हुआ, ऐसे स्टार्ट हुआ बी पे जो रिवेट है वो फेल हुआ, उसके बाद क्या हुआ इधर चला गया फेलियर प्लेन, इस तरीके से प्रोग्रेस हुआ, उसके बाद इधर आया और उसके बाद नीचे की तरफ, तो इस टाइप से भी फेलियर हो सकता है। तो जब इस टाइप से जिगजैग लाइन बन रही है जो, उसके लिए अगर हम ए नेट सेक्शनल एरिया कैलकुलेट करें तो वहां पे फॉर्मूला होता है कि ए नेट विल बी इक्वल टू बी माइनस एन डी, ये तो सिंपल हो गया कि अगर एक एक ही लाइन में अगर रिवेट्स आ रहे होते उस केस में भी हम यही फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे कि हम इस वाले के लिए करते तो ये हो जाता बी माइनस डी। जिगजैग है तो इसमें यहाँ पे एक टर्म और आएगी, वो होगी प्लस एस स्क्वायर अपॉन 4g। अगर दो हैं, जैसे कि हम इस वाले फेलियर प्लेन की बात करें ए बी सी डी ई, इस फेलियर प्लेन की अगर हम बात करें तो इस केस में यहां से स्टार्ट हुआ फेलियर, फिर एक स्टेगर्ड पिच ये आई इस वाले रिवेट के लिए, और ये गेज डिस्टेंस आई, ये वाली गेज डिस्टेंस आई रिवेट सी के लिए, फिर सी से भी हम वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं जा रहे, फिर से जिगजैग में जा रहे, स्लांटेड है रिवेट, तो फिर यहां से होगा वापस यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे अगेन ये एक टर्म आएगी, तो एक बार तो आएगी वन वाले के लिए इस रिवेट के लिए, दूसरी बार आएगी डी वाले रिवेट के लिए जिसकी डिस्टेंस है स्टेगर्ड पिच है वो एस टू है, तो एस टू स्क्वायर अपॉन 4g। तो एन है वो इस जिगजैग लाइन में कितने नंबर ऑफ रिवेट्स हैं, जैसे कि अभी वाला फेलियर प्लेन है तो यहाँ पे एन की वैल्यू हो जाएगी 3। अगर इस लाइन के अलोंग फेलियर हो रहा है, इस लाइन के अलोंग ए बी सी डी ई के अलोंग, तो यहाँ पे 3 रिवेट फेल हो रहे हैं तो 3d करेंगे, तो एन और एन डेस है वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ रिवेट्स उसमें है और कितने नंबर ऑफ रिवेट्स हैं वो स्टेगर्ड है। जैसे कि यहाँ पे हम देखें इस वाले में, तो यहाँ पे एक ऐसा भी फेलियर हो सकता है कि इधर से फेलियर स्टार्ट हुआ इस रिवेट तक आया, फिर ऐसे आया, फिर नीचे अगर चला गया, जितने भी केसेस बनते हैं हमें हर एक के लिए ए नेट कैलकुलेट करना होता है, और जो मिनिमम है वो वाला हम लेते हैं क्योंकि फेलियर होगा वो वहां से होगा। अब अगर इस वाली लाइन को हम देखें तो ये और ये दोनों रिवेट तो एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो एन तो यहाँ पे हो जाएगा 3 क्योंकि 1 2 3, बट एंडेस यहाँ पे होगा वो 1 ही होगा क्योंकि 2 तो एक ही लाइन में आ गए,
इसके बाद यहाँ पे एक ऐसा आएगा और इधर वाला ये जी आएगा। तो यहाँ पे अब ऑप्शंस में देखते हैं फॉर्मूले क्या क्या गिवन है। यहाँ पे एन डेज है वो नंबर ऑफ गेज डिस्टेंस है जिसने, गेज स्पेस है जिसने लिखा है। तो जितने नंबर ऑफ रिवेट्स हैं वो उस लाइन से स्टेगर्ड है, उतने ही नंबर ऑफ गेज स्पेसेस हैं, उतने ही नंबर ऑफ स्टेगर्ड पिच होंगे। एन है वो टोटल नंबर ऑफ रिवेट्स हैं जो कि एक पैरेलल प्लेन में आ रहे हैं, वो वर्टिकल भी हो सकता है, वो जिगजैग भी हो सकता है। यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला देखें, फॉर्मूला था बी माइनस एन डी प्लस एस स्क्वायर अपॉन 4g1, ऐसे ही करके सबका सिग्मा आ जाएगा, अगर g2 g3 आगे और भी हैं तो। आंसर की में आंसर गिवन है वो ऑप्शन सी है, बट सी में एक मिस्टेक है। आप देख रहे हैं कि ए और सी में सेम ही दे दिया है इसने, तो सेम नहीं होगा। क्या होगा, यहाँ पे माइनस आएगा, इसमें यहाँ पे माइनस आएगा तो बी माइनस डी आ जाएगा, ब्रैकेट अगर खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बट ये करेक्शन करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 108। क्वेश्चन 108 में एक कोई एंगल सेक्शन है और उसको एज ए हम टेंशन मेंबर यूज कर रहे हैं, बट वो कनेक्टेड है, वो वन लेग से ही कनेक्टेड है। अगर दोनों लेग से कनेक्टेड होता तो फिर पूरा का पूरा एरिया कंट्रीब्यूट करता, बट अभी यहाँ पे एक लेग से हमने कनेक्ट किया है, एक लेग है वो आउटस्टैंडिंग है। कुछ ऐसा है कि अगर ये गजर प्लेट है तो ये एक लेग तो कनेक्टेड है यहाँ पे रिवेट से या वेल्डिंग से, ये आउटस्टैंडिंग लेग है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आउटस्टैंडिंग वाले लेग कनेक्टेड नहीं है तो पूरा का पूरा एरिया कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है टेंशन को कैरी करने में। तो इन केसेस में फॉर्मूला होता है ए नेट का, ए प्लस के बी। के डिपेंड करेगा कि कौन से टाइप के कनेक्शन है। ए यहाँ पे ये कनेक्टेड वाली लेग का एरिया है, बी है वो इस आउटस्टैंडिंग वाली लेग का एरिया है। के यहाँ पे डिपेंड करेगा कि किस टाइप से कनेक्टेड, अगर सिंगल एंगल है, एक लेग से कनेक्टेड सिंगल एंगल है, तो उस केस में के की वैल्यू होगी 3a/3a+b। ए कनेक्टेड लेग का एरिया, बी आउटस्टैंडिंग लेग का एरिया। तो जस्ट हमें यहाँ पे ये के की वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा बी इंटू थ्री ए, सॉरी बी है यहाँ पे, इंटू 3a+b। और याद रखना काफी आसान है ऊपर वाला फॉर्मूला। ए तो पूरा का पूरा कंट्रीब्यूट कर रहा है क्योंकि वो कनेक्टेड है, बी का कुछ पोर्शन हम लेंगे, कुछ फ्रैक्शन हम बी का लेंगे, और वो फ्रैक्शन डिपेंड करेगा कि के की वैल्यू कितनी है, कैसे मल्टीप्लाई करके बी का जो वैल्यू आएगी वो लेंगे इनटू ये बी। ये हो गया, अब यहाँ पे हम ऊपर नीचे अगर 3a से डिवाइड करें तो ये इक्वेशन बन जाएगी ए प्लस, ऊपर 3a से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा तो बी बचेगा, नीचे 3a से डिवाइड करेंगे तो बी अपॉन 3a, जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए प्लस बी अपॉन 1+0.33b/a। तो यहाँ पे एग्जैक्टली ऑप्शन नहीं है, लेकिन ऑप्शंस में अगर हम देखें तो सबसे क्लोज है वो ऑप्शन बी है, तो यहाँ पे आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 भी ऐसा ही है, बट यहाँ पे कनेक्शन है वो डिफरेंट है, मेंबर है वो डिफरेंट है। यहाँ पे पेयर ऑफ एंगल हमने लिए हैं और वो बैक टू बैक कनेक्टेड है। अगर पेयर ऑफ एंगल बैक टू बैक कनेक्टेड है तो ये है दो एंगल सेक्शन है कनेक्टेड है वो बैक टू बैक, और फॉर्मूला यहाँ पे भी सेम होगा ए प्लस के बी, बट के की वैल्यू यहाँ पे अलग होगी, और ये वैल्यूज आपको डायरेक्टली याद रखनी होगी। के की वैल्यू होगी 5a1/5a2। a1 यहाँ पे कनेक्टेड लेग का एरिया है, बी आउटस्टैंडिंग का, तो हम ए और बी की फॉर्म में अगर यहाँ पे लिखें तो ये ऐसे इस तरीके से भी लिख सकते हो आप। अब यहाँ पे सेम पिछले क्वेश्चन में किया वैसे ही करना है, ए प्लस के की वैल्यू रखेंगे 5a/5a+b/b। अब हमें 5a से डिवाइड करना है सेकंड इस वाले में, ऊपर और नीचे दोनों जगह, तो a ऊपर बचेगा b, नीचे इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, b में डिवाइड करेंगे कि b अपॉन 5a आ जाएगा, ये a प्लस b अपॉन 1+0.2b/a। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस में चेक करें तो ये आंसर है, ये अवेलेबल है ऑप्शन डी में, तो यहाँ पे आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 1110। क्वेश्चन 1110 में केस गिवन है
कि डबल एंगल्स हैं, वो टेंशन कैरी कर रहे हैं और वो प्लेस्ड हैं, वो बैक टू बैक हैं, कनेक्टेड टू आइदर साइड ऑफ द गजेट प्लेट। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कनेक्टेड टू आइदर साइड ऑफ द गजेट प्लेट। पिछले वाले में ये नहीं मेंशन किया हुआ था, वहां पे भी बैक टू बैक थे। वहां पे काफी बार तो मेंशन कर दिया जाता है कि एट द सेम साइड ऑफ द गजेट प्लेट, या कभी कभी नहीं भी मेंशन किया है तो फिर बैक टू बैक दिया है, तो हम वो वाला केस अज्यूम करेंगे, पिछले क्वेश्चन वाला। इसमें है कि बैक टू बैक हम आइदर साइड है, मतलब एक एंगल है वो इधर लगा है, दूसरा एंगल है वो दूसरी साइड लगा हुआ है। इस वाले केस में टोटल एरिया निकालने के लिए जो जनरल टेंसाइल मेंबर्स के लिए फॉर्मूला होता है कि ग्रॉस एरिया टोटल एरिया माइनस डिडक्शन फॉर होल्स, तो वही हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे कुछ स्पेशल A1 प्लस K2 वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पे सिंपल टेंशन मेंबर्स में जो करते हैं, टोटल एरिया निकाल लिया, उसमें से होल्स का जितना एरिया है वो माइनस कर दिया, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि नेट सेक्शनल एरिया इक्वल होगा, ये ग्रॉस नहीं है, ये क्रॉस नहीं है, ग्रॉस है, ग्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सेक्शन माइनस एरिया ऑफ रिवेट होल। तो यहाँ पे आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 111th में पूछा है कि अलाउेबल जो स्ट्रेसेज होते हैं एक्सियल टेंशन में, हम उनको डिक्रीज कर देते हैं अगर थिकनेस ऑफ द मेंबर किससे ज्यादा हो। तो ये कुछ क्राइटेरिया होता है कि थिकनेस ऑफ मेंबर अगर इससे ज्यादा है तो अलाउेबल स्ट्रेसेस को डिक्रीज कर दिया जाता है। तो जो टेबल है इसकी वो देख लेते हैं, तो ये गाइडलाइंस है। अगर 20 mm तक थिकनेस है और सेक्शन है वो प्लेट है, एंगल है, टी सेक्शन, आई सेक्शन या चैनल और फ्लैट्स है, तो उस केस में 150 होगा अलाउेबल स्ट्रेसेस। अगर 20 mm से 40 mm हुआ तो 144 होगा, मतलब 20 mm से इंक्रीज होने पे हम डिक्रीज कर देते हैं स्ट्रेंथ को, और फिर अगेन अगर 40 mm से ज्यादा है तो उस केस में फिर से डिक्रीज कर दिया जाता है स्ट्रेंथ को। तो वैल्यू याद रखने की आई थिंक जरूरत नहीं है, बस आपको ये लिमिट पता रहे कि 20 mm होती है एक तो लिमिट, और एक 40 mm होती है अगली लिमिट। और ये नीचे वाला जो है ये बार्स के लिए गिवन है, कोई बार्स है वो राउंड, स्क्वायर या हेक्सागोनल है, तो उस केस में ये वैल्यूज यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे 40 mm वाला क्राइटेरिया नहीं है, तो क्वेश्चन में जो पूछा उसका आंसर हो जाएगा 20 mm, जो कि गिवन है ऑप्शन डी में, तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 112। यहाँ पे गिवन है कि कोई टेंशन मेंबर है और वो सब्जेक्टेड है पॉसिबल रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस ड्यू टू विंड, या फिर काफी बार विंड के साथ अर्थक्वेक फोर्सेस वगैरह भी होते हैं, तो इस केस में स्लेंडरनेस रेशियो किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक टेंशन मेंबर जो प्रिंसिपल एज ए टेंशन मेंबर ही डिजाइंड है, टाई मेंबर है, बट उसमें आ सकते हैं रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस विंड और अर्थक्वेक वगैरह की वजह से, तो कोड में इसका गिवन है टेबल। तो ये टेबल गिवन है जो स्टील का कोड है IS 800-2007 का जो एडिशन है, इसमें गिवन है पेज नंबर 20 पे। ये एक टेबल गिवन है जिसमें गिवन है कि मैक्सिमम इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो कितना हो सकता है। क्वेश्चन में जो हमें केस गिवन है वो टाई मेंबर है, तो वो फिफ्थ वाला केस है, मेंबर नॉर्मली एक्टिंग एज ए टाई इन ए रूफ ट्रस और ब्रेसिंग सिस्टम। रूफ ट्रस और ब्रेसिंग सिस्टम का वहां पे मेंशन नहीं किया है, बट प्रिंसिपली नॉर्मली वो एक टाई मेंबर है, उसमें रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस है सिर्फ ये विंड और इन सब की वजह से आ रहे हैं, पॉसिबल रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस इन कंप्रेशन रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्शन ऑफ विंड और अर्थक्वेक फोर्सेस। तो काफी स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाता है कि उन्हें लगता है 250 होगा, तो 250 होता है जब कंप्रेशन मेंबर है, यहाँ पे कंप्रेशन मेंबर नहीं है, टेंशन मेंबर है, तो यहाँ पे आंसर होगा वो 350 होगा। और काफी इंपॉर्टेंट है ये टेबल, काफी बार इसके क्वेश्चन आते हैं, काफी ईजी है याद रखना भी, तो इसको जरूर याद रखना है पूरा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, 350 गिवन है ऑप्शन ई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113। यहाँ पे गिवन है कि कोई टेंशन मेंबर है जो कि बना हुआ है दो चैनल सेक्शन से, तो यहाँ पे जो अलावेंस या डिडक्शंस करेंगे हम रिवेट होल्स के लिए वो कितने होंगे। तो इस टाइप के बिल्टअप सेक्शंस में अगर आपको आइडिया है कि कनेक्शन हो कैसे रहा है, कैसे हम दोनों मेंबर्स को कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि कितने नंबर ऑफ रिवेट्स लगेंगे।
बीसी पुनमिया की बुक में एक टेबल भी गिवन है जिसमें डिफरेंट सेक्शंस के लिए गिवन है कि कितने नंबर ऑफ रिवेट होल वहां पे होंगे। तो ये है टेबल गाइडलाइंस फॉर डिडक्शन डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन के लिए। क्वेश्चन में हमसे पूछा है चैनल सेक्शन जो कि है ऑप्शन ये सिक्स वाला जो टू चैनल्स में, तो दो चैनल सेक्शन है जो कि बैक टू बैक या फ्रंट टू फ्रंट रखे हुए हैं, इसमें फ्लेंजेस आउटवर्ड है इसमें फ्लेंजेस इनवर्ड है। तो यहाँ पे कनेक्शन करने के लिए या तो हम फ्लेंजेस के अलोंग गजर प्लेट दें, फ्लेंजेस को गजर प्लेट से कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम वेब्स के बीच जो दोनों वेब है उनके बीच में एक गजर प्लेट दे सकते हैं। जैसे कि इस तरीके से हमने बीच में एक गजर प्लेट दे दी है दोनों वेब के बीच में, और इसके थ्रू अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं तो उस केस में दो रिवेट लगेंगे और वो रिवेट होंगे वो वेब से होते हुए जाएंगे कुछ इस तरीके से, एक रिवेट ऐसे लगा दिया हमने, दूसरा रिवेट है वो ऐसे लगा दिया। इस वाले केस को कंसिडर करेंगे तो टू होल्स फ्रॉम ईच वेब, या फिर हम दूसरा केस कंसिडर करें जिसमें कि हम फ्लेंजेस को कनेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर फ्लेंजेस के अलोंग गजर प्लेट दी गई है तो इस केस में हम रिवेट ऐसे लगाएंगे वर्टिकली, एक रिवेट यहाँ पे लगा, एक यहाँ पे लगा, एक यहाँ पे इस फ्लेंज को कनेक्ट करने के लिए और चौथा यहाँ पे इस फ्लेंज को कनेक्ट करने के लिए। इस केस में हम कह सकते हैं कि हमें हर एक फ्लेंज में एक रिवेट दिया है। तो अगर हम ये वाला केस कंसिडर करें तो होगा वन होल फ्रॉम ईच फ्लेंज विच एवर इज ग्रेटर, मतलब पहले वाले केस में हमने निकाला जब वेब को हमने गजर प्लेट से कनेक्ट किया, दूसरे वाला केस हमने निकाला कि फ्लेंजेस को कनेक्ट किया तो हर एक फ्लेंज में एक रिवेट लग रहा है, तो दोनों में से जो ज्यादा वैल्यू आएगी वो हम लेंगे क्योंकि वो सेक्शन ज्यादा क्रिटिकल है फेलियर के लिए, और हमेशा हम इस टाइप के सेक्शन को कंसिडर करते हैं जो कि ज्यादा प्रोन है क्रिटिकल है फेलियर के लिए। तो हम देखते हैं अब ऑप्शंस क्या क्या गिवन है। तो यहाँ पे आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ईच वेब रिवेट होल इज मेड ऑफ टू होल्स फ्रॉम ईच वेब और वन होल फ्रॉम ईच फ्लेंज विच एवर इज मोर, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 114, 114 भी सेम हमने पिछला क्वेश्चन किया वैसे ही है, बट यहाँ पे सेक्शन है वो डिफरेंट है, जो टेबल है उसमें गिवन है सबका। यहाँ पे जो पूछा है वो फोर एंगल्स विथ ए प्लेट एज ए वेब, तो देखते हैं कौन सा सेक्शन ऐसा है और उसके लिए कितने रिवेट होल है। तो ये फिफ्थ वाला केस है फोर एंगल्स विथ ए वेब, बीच में ये हमने वेब दे दिया है, ये वाली प्लेट है ये वेब है, इसके ऊपर हमने चार एंगल कनेक्ट किए हैं। इस वाले केस में अगर हम देखें तो हमें रिवेट होल कैसे देने होंगे, रिवेट हम जब लगाएंगे इसमें तो इस तरीके से लगाएंगे, एक रिवेट यहाँ लगाया दूसरा रिवेट यहाँ लगाया। तो इस केस में जो वेब है उसमें दो रिवेट होल हो रहे हैं और एंगल्स में है उनमें एक एक रिवेट होल हो रहा है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है वन होल फ्रॉम ईच एंगल एंड टू होल्स फ्रॉम वेब, वेब में बने दो होल, एक ये रिवेट डाला ये डाला, तो वेब में दो होल और हर एक एंगल में एक होल। तो देखते हैं ऑप्शन सर, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसी में गिवन है कि वन होल फॉर ईच एंगल एंड टू होल्स फॉर द वेब। तो अगर इस तरीके से आपको डायग्राम पता होगा और आपको कनेक्शंस पता है तो आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं, अदरवाइज काफी कंफ्यूजिंग है इसको याद रखना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 115, 115 में बेंडिंग के स्ट्रेसेज आ रहे हैं और मैक्सिमम अलाउेबल बेंडिंग स्ट्रेस है वो एफ है और रेडियस ऑफ गायरेशन है वो आर है, डेप्थ है वो टू वाई है और रिक्वायर्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें निकालना है कि ए होगा वो कितना होगा। तो सिंपल यहाँ पे जो बेंडिंग वाला फॉर्मूला होता है काफी कॉमन सा वो हम यूज करेंगे, जो कि होता है एफ अपॉन वाई इज इक्वल टू एम अपॉन आई, y होता है न्यूट्रल एक्सिस से एक्सट्रीम फाइबर की डिस्टेंस, तो वो यहाँ पे हो जाएगी y क्योंकि टोटल डिस्टेंस है वो टोटल डेप्थ है वो 2y है, f अपॉन y m अपॉन i, i को हम लिख सकते हैं a इंटू आर जी का स्क्वायर, आर जी यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन है और हमें पता है कि आर जी होता है i अपॉन a का रूट, तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। तो हम आई को लिख देते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन के फॉर्म में, यहाँ पे गिवन भी हमें रेडियस ऑफ गायरेशन है वो आर है, तो ये हो गया ए आर स्क्वायर, बस हमें ए निकालना है, ए हो जाएगा एम वाई अपॉन एफ इंटू आर स्क्वायर,
जो कि गिवन है ऑप्शन ए में, तो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116। यहाँ पे गिवन है हमें वैल्यूज, एक तो कैलकुलेटेड वैल्यूज गिवन है बेंडिंग वाले स्ट्रेसेस की और एक्सियल वाले स्ट्रेसेस की, दूसरा परमिसेबल वैल्यूज गिवन है बेंडिंग वाले स्ट्रेसेस की और एक्सियल वाले स्ट्रेसेस की, और इनमें जो रिलेशन होता है वो पूछा है, जो कंडीशन होती है डिजाइन के लिए। अलाउेबल स्ट्रेसेस को इसने एफ टी और बेंडिंग वाले को एफ एच टी से डिनोट किया है। फॉर्मूला होता है कैलकुलेटेड टेंसाइल वाले का लेंगे तो ऊपर एफ डेस टी आएगा, डिवाइडेड बाय एफ टी प्लस यहां एफ डेस आएगा क्योंकि एफ एस टी दोनों सेम नहीं हो सकते, एफ डेस एच टी डिवाइडेड बाई एफ एच टी, दिस शुड बी लेस देन वन। इतना सा याद रखना है कि ऊपर कैलकुलेटेड वाली वैल्यू आती है और नीचे डिजाइन वाली वैल्यू आती है, और डिजाइन वाली जो परमिसेबल वाली जो वैल्यू है वो हमेशा कैलकुलेटेड वाली से, ये परमिसेबल वाली जो वैल्यू है कैलकुलेटेड वाली से हमेशा ज्यादा होती है, तो ये वन से कम होगा। तो इससे आपको याद रहेगा कौन सा ऊपर आएगा कौन सा नीचे आएगा। काफी बार ये वैल्यू भी पूछ ली जाती है, जो एफ टी होता है डायरेक्ट टेंशन में वो होता है 0.6 FY परमिसेबल, और जो बेंडिंग के केस में टेंसाइल स्ट्रेसेस अलाउड होते हैं वो होते हैं 0.66 FY। तो ये भी पूछ लिए जाते हैं, ये भी याद रखना है। यहाँ पे आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे डेस वाले टर्म नहीं लिखी है इसने, तो इसमें एफ डेस के ऊपर आ रहा है जिनको हम एक्चुअल स्ट्रेसेस या कैलकुलेटेड स्ट्रेसेस बोलते हैं, नीचे परमिसेबल आ रहे हैं और दिस शुड बी लेस देन वन, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 117। 117 में पूछा इक्विवेलेंट जो लोड है वो क्या हो रहा है, कि एक तो ऐसा सेक्शन है जिसमें मोमेंट आ रहा है और पी आ रहा है, तो उन दोनों के पी और एम के कारण मिलके जो स्ट्रेस आएगा उसके इक्विवेलेंट हम एक एक्सियल टेंसाइल लोड निकाल रहे हैं जिसका स्ट्रेस भी सेम होगा, मतलब पी और एम दोनों मिलकर जितना स्ट्रेस दे रहे हैं वो एक इक्विवेलेंट एक्सियल टेंसाइल लोड पी अकेला लगाने पे भी सेम, पीई अकेला लगाने पे भी सेम स्ट्रेस आ रहा है। तो हमें जैसे स्ट्रेसेस को इक्वेट करना है, अगर इक्विवेलेंट एक्सियल टेंसाइल लोड पीई है तो स्ट्रेस होगा पीई अपॉन ए, दूसरे केस में एक एक्सियल लोड पी है जिसके कारण एक्सियल स्ट्रेस होगा पी अपॉन ए, और दूसरा है बेंडिंग मोमेंट एम, एम के कारण बेंडिंग का स्ट्रेस होगा एम अपॉन आई इंटू वाई। I अपॉन वाई को हम z लिख सकते हैं, तो इसको I अपॉन वाई को z लिख देते हैं यहां पे। अब एक को अगर हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा पीई पी प्लस एम अपॉन जेड इंटू ए, जो कि यहां पे गिवन है ऑप्शन ए में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118। यहाँ पे गिवन है कि कोई सिंगल सेक्शन है जिसको हम एज ए टेंशन मेंबर यूज कर रहे हैं, तो गिवन एरिया होगा हम उसको कितना अज्यूम करेंगे। बेसिकली डिजाइन के स्टेप्स में हम करते हैं कि हम अलाउेबल स्ट्रेसेस के लिए कॉरस्पॉन्डिंग जो भी एरिया है वो कैलकुलेट करते हैं, वो एरिया चाहिए हमें ए नेट एरिया चाहिए उतना एरिया, और सेक्शन का जो एरिया होगा वो ग्रॉस एरिया होगा जो कि हम सेक्शन चूज कर रहे हैं उसका, अगर हम हैंडबुक में देखते हैं तो हम ए नेट एरिया को कुछ परसेंटेज से बढ़ा देते हैं ताकि हमें ग्रोस एरिया मिल जाए और उस एरिया के कोरस्पॉन्डिंग हम कोई सेक्शन चूज कर लें। तो इसमें कितना परसेंटेज हम इंक्रीज करते हैं, वैसे तो ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि कोड में गिवन है या कोई फिक्स है इतना ही लेना है, ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है काफी। एट लास्ट मैटर ये करता है कि आपका स्ट्रक्चर सेफ आना चाहिए, कोई 20% लेके कर रहा है, कोई इकोनॉमिक नहीं देख रहा उतना, एक बार में वो चाहता है कि सही हो जाए कुछ, अगर सेफ नहीं आएगा स्ट्रक्चर तो आपको इंक्रीज करना पड़ेगा ऑब्वियसली, जो 20% लेके कर रहा है उसको, तो किसी ने 50% इंक्रीज कर दिया कि अब सेफ साइड रहते हुए मुझे मेरा स्ट्रक्चर लास्ट में जब चेक करूं तो सेफ आ जाए। तो ये स्टैंडर्ड नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाने चाहिए क्योंकि ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। यहाँ पे इसका आंसर गिवन है वो ऑप्शन सी है, आंसर के में जो है वो तो ऑप्शन सी है, बुक्स में जो गिवन है वो अलग अलग है। जो एस के दुग्गल बुक है स्टील की
उसमें इसको गिवन है ये कि ये 25 to 40% होगा एस के दुग्गल में, और जो बीसी पूनमिया की बुक है उसमें गिवन है वो है 25 to 50%। तो यहाँ पे वैसे तो ये भी अपनी जगह सही है, ये भी सही है। आंसर की में इसने जो दे रखा है 40 to 50%, इसको भी गलत प्रूव करने का ऐसे से हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि हाँ हम ये नहीं ले सकते। तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसे क्वेश्चन में कोई सीरियस एग्जामिनर हुआ तो ऐसे क्वेश्चन है उसमें फिर ये सारे ऑप्शन ही करेक्ट होंगे, या फिर काफी बार ऐसा होता है कि एग्जामिनर जो ऑब्जेक्शन है उसको इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, स्पेशली जब ऐसा कोई क्वेश्चन जिसको आप 100% ऐसे गलत नहीं बोल सकते। यही अगर कोड में कोई स्टैंडर्ड गाइडलाइन गिवन होती तो ऑब्वियसली वही सही होता, बट इस टाइप के क्वेश्चंस में ऐसा नहीं हो पाता। तो आप चाहो तो सी भी याद रख सकते हो, क्योंकि अगर हो सकता है ऑब्जेक्शन के टाइम उन्होंने करेक्ट नहीं किया तो फिर जो आंसर की में गिवन है आंसर वो करेक्ट होगा, अदरवाइज फिर ए बी और सी मेरे अकॉर्डिंग तो तीनों ही सही है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लगे वो याद रख सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन 119। 119 में यहाँ पे गिवन है, एक तो ये इसने पूछा है ये पुराने कोड के अकॉर्डिंग पूछा है 81971 की कोई स्प्लाइस प्लेट है, उस केस में नंबर ऑफ रिवेट्स को हम कितना इंक्रीज करेंगे, कितना परसेंट से इंक्रीज करेंगे अगर पैकिंग जो प्लेट है उसकी थिकनेस 6 mm से ज्यादा है, तो मतलब कितना एक्सीड करे थिकनेस, मतलब 6 mm से अगर 2 mm एक्सीड कर रहा है तो 2.5% होगा, या 1 mm एक्सीड कर रहा है 6 mm से तो 2.5% हम नंबर ऑफ रिवेट्स में इंक्रीज करेंगे। तो ये है पुराने कोड के अकॉर्डिंग, इस कॉन्टेक्स्ट में अभी रिसेंट के कोड में क्या गिवन है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। ये अवेलेबल नहीं है मेरे पास 1971, आंसर की में आंसर ऑप्शन सी गिवन है बट मैं इसको वेरीफाई नहीं किया क्योंकि मेरे पास कोड नहीं अवेलेबल है। रिसेंट के कोड में जो गिवन है वो हम समझ लेते हैं कि वहां कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये IS 800/2007 के पेज नंबर 75 पे गिवन है पैकिंग प्लेट्स के रेस्पेक्ट में कि जो डिजाइन शीयर कैपेसिटी है बोर्ड्स की कैरिंग शीयर थ्रू ए पैकिंग प्लेट, जिस प्लेट की थिकनेस है वो 6 mm से ज्यादा है, तो वो डिजाइन शीयर कैपेसिटी है उसको हम इस फैक्टर से डिक्रीज कर देते हैं, और ये फैक्टर है 1 - 0.0125 TPK। पीके यहाँ पे पैकिंग प्लेट की थिकनेस है, और अगर मल्टीपल पैकिंग प्लेट्स हैं जो तो थिकर वाली प्लेट है उसकी थिकनेस यहाँ पे लेंगे, और जो डिजाइन शीयर कैपेसिटी है उसको बीटा पीके से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि वो शीयर कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। पुराने कोड में शायद ऐसा करते थे कि शीयर कैपेसिटी को रिड्यूस नहीं करते थे बट जितने नंबर ऑफ रिवेट्स हमारे पास आ रहे हैं हम उसको इंक्रीज कर देते थे, कि अगर जो शीयर कैपेसिटी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम निकाल रहे हैं तो 10 रिवेट्स आ रहे हैं तो उसको जो क्वेश्चन में एग्जांपल गिवन है कि 2 mm से अगर 6 mm से 2 mm ज्यादा थिकनेस मतलब 8 mm थिकनेस की प्लेट है तो इस केस में हम 2.5% इंक्रीज कर देंगे नंबर ऑफ रिवेट्स को। काफी सारे स्टूडेंट्स को ये रहता है कि क्या हम इसको याद रखें ना रखें, अगर आप रख सकते हो पुराने कोड के भी जो क्वेश्चंस है तो द बेस्ट है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाता। कुछ स्टूडेंट्स की मेमोरी फिर भी काफी ज्यादा शार्प होती है, बहुत ज्यादा चीजें याद रख सकते हैं तो कोई इशू नहीं है, बट मोस्टली होता है कि आप बहुत सारी चीजें याद रखने की कोशिश करोगे फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन के चक्कर में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें छूट जाएंगी, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनपे बहुत ज्यादा चांसेज है क्वेश्चन आने के, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं उन फॉर्मूले पे, वो छूट जाएंगे। तो अगर आप सब कुछ याद रख सकते हो तो कोई इशू नहीं है, आप रख लो पुराने कोड के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज है और जो क्वेश्चन है वो भी याद रख लो। अगर आपको लगता है कि इतना हम नहीं कर सकते तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी पुराने कोड से क्वेश्चन हैं जैसे कि अभी आया था 1971 के कोड से, तो अब भी अगर एग्जाम होगा तो पुराने कोड से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि ऑब्सोलेट हो चुका, अब नहीं यूज होता तो कोई सेंस नहीं है इसको याद रखने का, पूछा भी नहीं जाना चाहिए रिजनेबली भी देखें तो एग्जाम में, बट काफी बार पूछ लिया जाता है तो थोड़ी प्रोबेबिलिटी है, बट थोड़ा तो रिस्क आप ले सकते हो, आपको कोई 100% सिक्योर करने की जरूरत नहीं है मार्क्स। तो ये है इस क्वेश्चन का कंक्लूजन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है 120। यहाँ पे गिवन है कोई ट्रस गर्डर है ब्रिज में, उसमें जो डायगोनल बना हुआ है वो एक स्टील फ्लैट सेक्शन का बना हुआ है 400 ISF
एफ यहाँ पे फ्लैट को डिनोट कर रहा है, और ये कैरी कर रहा है 80 टन का लोड। जो रिवेट लगे हुए हैं उनका ग्रॉस डायमीटर है वो 26 mm है, और नंबर ऑफ रिवेट्स रिक्वायर्ड है वो हमसे पूछा गया है। यहाँ पे काफी सारा डेटा मिसिंग है। इन जनरल इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, बट यहाँ पे काफी सारा डेटा मिसिंग है और उस केस में हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। एक तो यहाँ पे ये नहीं गिवन है कि पावर ड्राइवन रिवेट्स है या हैंड ड्राइवन रिवेट्स है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रेंथ होती है वो अलग होती है। जो शीयर स्ट्रेंथ होती है हैंड ड्राइवन रिवेट्स की वो 80 होती है, और ये यूनिट होती है मेगा पास्कल में या न्यूटन पर एमएम स्क्वायर भी बोल सकते हैं। पावर ड्राइवन के लिए 100 होती है। ऐसे ही बीरिंग में जो स्ट्रेंथ होती है वो हैंड ड्राइवन के लिए 250 होती है, पावर ड्राइवन की ओब्वियसली ज्यादा होगी तो 300 होती है। तो एक तो ये वैल्यूज पिक करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सा मेथड यूज किया गया रिवेट्स में। उसके बाद हम निकालते हैं रिवेट वैल्यू। रिवेट वैल्यू के लिए रिवेट के हम शेयरिंग में और बेयरिंग में स्ट्रेंथ निकालते हैं। शेयरिंग में स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है π/4 φ² इंटू सिग्मा एस, जो शेयरिंग स्ट्रेंथ है। ये अगर हैंड ड्राइवन है तो 80 लेंगे, पावर ड्राइवन है तो 100 लेंगे। ये हो गया शेयर का। बेयरिंग के केस में स्ट्रेंथ निकालते हैं तो हमें थिकनेस भी पता होनी चाहिए, और यहाँ पे क्वेश्चन में थिकनेस भी नहीं गिवन है। यहाँ गिवन है 400 ISF, बट गिवन नहीं है कि थिकनेस क्या है। इस केस में हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट फॉर्मूला जो होगा वो होगा टी इंटू डी इंटू बीरिंग स्ट्रेंथ। जो हैंड ड्राइवन है तो 250 लेंगे यहाँ पे, और अगर पावर ड्राइवन है तो 300 लेंगे। तो ये बीरिंग की स्ट्रेंथ होगी। इन दोनों में से जो मिनिमम होगी वो होगी रिवेट वैल्यू, और उसके बाद नंबर ऑफ रिवेट्स निकालने के लिए हम 80 टन है इसको डिवाइड करेंगे रिवेट वैल्यू से। और अगर रिवेट वैल्यू केजी में है तो हमें ऊपर वाले को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये प्रोसीजर रहता है। यहाँ पे आंसर के में आंसर गिवन है वो ऑप्शन सी है, 8 है, बट फिर आपको अज्यूम करना पड़ेगा अपनी तरफ से हैंड ड्राइवन है या पावर ड्राइवन है, कौन से केस में वो आंसर मैच कर रहा है। तो ये प्रोसीजर है, प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। तो आज के लेक्चर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।